हिमाचल प्रदेश के नगरोटा से हिंदू मंदिर में शिवलिंग के टूटे हुए मिलने की घटना सामने आई। इसके बाद से राज्य में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। इसी बीच ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर किया जाने लगा। वहाँ पर शिवलिंग बनाई गई है, लेकिन कुछ अज्ञात शरारती तत्व कह सकते हैं जिन्होंने शरारत की होगी, शरारती तत्वों द्वारा जो है शिवलिंग को तोड़ दिया गया है यहाँ पर। इसे यूजर्स इस घटना को राज्य में एक समुदाय की बढ़ती आबादी की बात पर जोर देते हुए शेयर करने लगे। दरअसल यूजर्स कह रहे हैं कि वहां पर अब मुस्लिम समुदाय की नजर है। इस लिस्ट में बीजेपी नेता अशोक सिंघल, वेरीफाइड अकाउंट मिस्टर सिन्हा और दीपक शर्मा शामिल है। मंदिर में तोड़फोड़ की खबर वायरल होने के बाद कई हिंदुवादी संगठनों ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। ऑल्ट न्यूज ने इस घटना को लेकर वायरल हो रहे कथित दावे के बारे में छानबीन शुरू की। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने इस मामले में ये बयान दिया था। माहौल को देखते हुए हमने 4 पुलिस रिजर्व धर्मशाला से मंगवाई थी और एक स्पेशल टीम आई थी जो कंटिन्यूअसली आसपास के फुटेजेस को एनालाइज कर रही थी। फुटेजेस के आधार पर ही हमें ये चीज मालूम हुआ कि इसमें एक लेडी इन्वॉल्व थी इस सारे के सारे इंसिडेंट के पीछे। ये जो इंसिडेंट अकर हुआ वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे सुबह हुआ था, और ऐसे ही हमने जो फुटेजेस से कुछ और क्लूज गैदर किए और एक ट्रेल बनाई। ट्रेल के आधार पे हमने योल के पास से एक 35 वर्षीय महिला जिसका नाम निशा देवी है उसको जो है डिटेन किया। इसमें जो आगे की आगामी कार्रवाई थी वो हम पूरे के पूरे लॉ के अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रहे हैं। जो हमें कुछ क्लूज मिले थे फुटेजेस के माध्यम से वो सारे के सारे, जैसे उसका लड़की का पहनावा, उन्होंने क्या पहना था, चप्पल कौन सी पहनी थी, बैग कौन सा था, वो सारी की सारी चीजें हमें लड़की से वहां पर मौजूद मौके पे ही हमें मिल गई थी, जिसको हमने सीज कर लिया है। और मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, ये जो लेडी है इस लेडी के ऊपर ऑलरेडी ऐसे ही विषयों में विभिन्न थानों में जो है मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। 2020 में भी धर्मशाला में एक फतेहपुर जगह पड़ती है, वहां पर भी एक मंदिर की शिवलिंग को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया था, और आए दिनों मंदिरों में भी जाकर ये मूर्तियों को जो है डैमेज पहुंचाती रहती है। साथ में ये भी इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो ये लेडी है ये दिमागी तौर पर थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड है, और जो अभी नेक्स्ट प्रोसेस है वो लीगली हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लोकल हिंदी मीडिया आउटलेट अनंत ज्ञान ने घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज पोस्ट किया था। यानी हिमाचल प्रदेश में हिंदू मंदिर में शिवलिंग खंडित करने वाली एक महिला है जिसका नाम निशा देवी है। पुलिस के बयान के मुताबिक ये महिला मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन इस घटना को सोशल मीडिया पर राइट विंग अकाउंट्स ने सांप्रदायिक रंग दिया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ निशाना साधा।